सो गाइस गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं कनेक्टेड वाइब्स। जब आए हैं बगीचे में, ये देख सकते हैं आपको पूरा बगीचा, ये पूरा एरिया कुछ इस कदर से है। और ये हमारे साथ हमारे बड़ी मम्मी के बेटे जी हैं, जो कि ऋतिक भाई। अभी हल लगाने की बारी इनकी है। अपन तो थक चुके हैं पूरा, चार कदम चलने के बाद, काफ़ी टाइम बाद हमने हल लगाना शुरू करा है। और आप देख सकते हैं पीछे ये पूरे खेत, आपको पूरा बढ़िया से चेक करा देता हूँ। ये देखिए, ये इसमें हल लग रहा है अभी, इसमें भी हल लगाना बाकी है। ये हमारी छानी ऊपर, और कुछ इस कदर नज़ारा है हमारे बगीचे का। और मैं हूँ रोनी सिंह, जो कि घूम रहा हूँ बगीचे में आराम से। तो बने रहिए हमारे साथ, अभी आपको लेके चलता हूँ मैं थोड़ी देर, दो मिनट के लिए, अपने पशुओं के पास, जो अभी हम चरा रहे हैं इधर पे, उनको चुमाने का कार्यक्रम कुछ इस तरीके से चल रहा है। पिताश्री हैं, इनके हाथ में अभी फ्रैक्चर हो चुका है, तो इस बार हल लगाने का कार्यक्रम हमने उठाया है जिम्मा। और आपको दिखाते हैं अपने गाय भैंस, हमारे पास क्या क्या है। कहानी में आए दो मिनट में और गाइस, ये ब्लॉग कुछ इस कदर बनने जा रहा है। बगीचे में पहली बार, पहला ब्लॉग शूट हो रहा है हमारे बगीचे का, ये जो आपको दिखाता हूँ। गाइस ये देखिए हमारी भैंस है, आ आ और गाइस ये आपको दिखाता हूँ, ये हमारी भैंस है। अभी ये दूध वगैरह कुछ देती नहीं है, ये ऊपर छोटा सा बैल है, जो कि अभी थोड़ा सा बड़ा होगा तब जाके ही दूध दे पाएगा ये। और गाइस मैं गाय भैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी बैल की बात नहीं कर रहा हूँ कि बैल दूध देगा, बात कर रहा हूँ इस भैंस की। और ये छोटी सी गाय है, और इनका एक साथी है और, जो कि ऊपर है, आपको दिखाता हूँ। ऊपर वाले खेत में उकर रहा है, और ये वाला जो पेड़ है, ये पूलम का पेड़ है। और जो ये वाला पेड़ है, एक बार फिर से, ये वाला पेड़ नाशपति का है, बाकी इधर पे अखरोट के पेड़ है सारे। मैं हूँ रोनी सिंह, जो कि अपने बगीचे में आराम से घूम रहा है। और अभी तक हमने हल लगाया था, थोड़ा सा पसीना हो चुका था हमें, तो अभी भाई लगा रहा है थोड़ी देर, उसके बाद हम चलते हैं वापस ऊपर, आपको दिखाएंगे अपनी बगीचे की हर चीज़ से, आपको वाकिफ कराएंगे। और गाइस पानी भी मांग लिया है हमने, तो चलिए थोड़ा सा गाय के पास चलते हैं, यदि वो अपने पे हमें टच करने देगी अभी, तो आपको दिखाते हैं क्या सीन है इसका। तो गाइस ये देखिए, पापा जी ही इनका पालन पोषण करते हैं, तो उनके पास ही ये जाते हैं अक्सर, उनको बड़ी आसानी से हाथ लगाने दे रहे हैं। और हम ट्राई करते हैं अपनी बछिया के पे, क्योंकि इसको हमने बचपन से देखा है। आ ले ले, और ये देखिए गाइस, ये इनका अपना प्यार प्रेम है, जो कि पे नहीं है दोनों, क्योंकि हमसे जुड़ना इनको काफ़ी टफ पड़ सकता है। देखो हमसे भाग रही है। सो गाइस ये होती है जवान जानवरों का प्रेम, जो कि अपने मालिक के लिए होता है, कुछ इस कदर होता है। देखिए कितना आसानी ये बुला दी, आ जाए तुम। गाइस नहीं जा रहा है अभी, वो समझ चुका है कुछ हमारे साथ। तो फिलहाल आपको लेके चलता हूँ, मम्मी अभी ऊपर है, कह देता मम्मी ऊपर है, यहाँ पर पानी लेके आ रही है हमारे लिए, तो चलते हैं। आ ले ले ले, आ गाइस हमारी थोड़ी है, आ ये हमारे पास भी आ रहा है, काफ़ी अच्छा है शायद। तो चलते हैं फिर से वापस अपने काम पर, क्योंकि ब्लॉग तो शूट होते रहेगा, यदि काम नहीं हुआ तो शायद गाइस हमारी फसल का भी नुकसान हो सकता है। और देखते हैं इस बार ही कुछ अलग उगाने का प्लान है हमारा, तो अपने बगीचे में ही रहेंगे अभी इसके बाद कुछ टाइम तक, जब तक हमारा मन ना भर जाए यहाँ से, तब तक बैठेंगे यहाँ पर। और ये इसको उधर से बैल लेके, और गाइस देखिए इस तरीके से मेहनत होती है पहाड़ों में, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कुछ होती नहीं है वैसे। यदि आप गांव में इस तरीके से काम करोगे, तो आपकी बॉडी एकदम लीन और सिक्स पैक वगैरह आराम से आ जाएंगे।
और गाइस ये देखिए बैल एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन भी करते हैं चलते चलते। वो मार रहा था ना हमें। ये देखिए ऋतिक भाई है हमारे, एकदम इनका शूट हो रहा है, ऐसे लगाया जाता है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये जो नीचे लकड़ी का है ये ज़मीन में जाके छुपता है, जिसकी वजह से ये मिट्टी को दो भागों में फाड़ देता है, एक इधर की साइड जो इधर की साइड आ रहा है, दूसरा उधर की साइड जो उधर की साइड जा रहा है। और ये तरीका होता है लगाने का जो हमने सीखा था अपने पिताश्री से। अरे ऋतिक भाई है, थोड़ी देर बाद हम अपडेट देंगे, थोड़ी देर बाद हमारी बारी है, इसके बाद अगली वाली लाइन में वहीं पकड़ता हूँ मोल। और गाइस बने रहिए, देखते रहिए कनेक्टेड वाइब्स। ये बगीचा है, इसमें अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि है कि आप देख सकते हैं कुछ भी इधर पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। वैसे ये जो ऊपर पेड़ है चुल्लू का है, और ये भी चुल्लू है, खुमानी बोल सकते हो आप, ये वाला भी चुल्लू है। और अभी यहाँ पर कुछ है नहीं, ये ऊपर जो हरे हरे दिख रहे हैं गाइस, ये तो जंगल के बानबून के पेड़ हैं, बाद बाकी ऊपर ये पूरा जंगल है, जो ये पूरा चीड़ का जंगल है। इधर सब जगह आपको चीड़ का ही जंगल दिखाई देगा। अरे पापा जी हैं हमारे, टोपी पहन के खड़े हैं सामने की ओर। तो अभी मिलते हैं इसके बाद जब हमारी बारी आएगी, ऋतिक भाई वीडियो ब्लॉग शूट करेगा और हम लगाएंगे। और एक गाइस ये मम्मी जी आ चुकी हैं। माँ आते ही स्वेटर लेके फिर से बोनल, कल उठा काम ना दूंगा या गाइस। ये हमारी माता श्री हैं, आप देख सकते हैं स्वेटर बुन रहे हैं। ये देखिए गाइस, इस वाले हाथ में फ्रैक्चर हो रखा है अभी, फिर भी कैच पकड़ने की पूरी कोशिश, और ये कैच पकड़ लिया है पापा ने बहुत बढ़िया तरीके से। हमारे पापा ब्रायन लारा के नाम से जाने जाते हैं, जो कि इकलौते नाम है गांव का, काफ़ी बढ़िया क्रिकेट खेलते थे शायद पहले, या फिर कुछ अन्य रीजन भी हो सकता है ब्रायन लारा बोलने का, आई डोंट नो, बट थोड़ा सा हमें मालूम है। और ये देखिए पापा जी को प्यास लग गई है बिना लगाए हुए। और गाइस ये फिर से चल रहे हैं, ऋतिक भाई आ चुके हैं पीछे से, अब इसके बाद ब्लॉग शूट करेंगे ऋतिक भाई और हम लगाएंगे हल। तो भाई चलते हैं हल लगाने, हमारी बारी आ चुकी है, आज चेंज करते हैं अभी स्विच, ले ऋतिक भाई ने पकड़ा। और अभी ये गाइस एक बार रुकते हैं, करेंगे ले भाई ब्लॉग शूट करते रहिए, बोल कर रहे थे आए दिखाए चलो ये डाल रहे अब डाल कर रहे वो लगा थी मैं। सिद्धू पे चल 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 otra
इज वेल सो गाइस वेलकम बैक टू दी अगेन और आप देख रहे हैं कनेक्टेड वाइब्स। तो गाइस अभी हम फिलहाल जा रहे हैं अपने रूम तक जहाँ पर कि हमारा स्पीकर है, स्पीकर लेके आते हैं थोड़ा बहुत गानों के साथ साथ पहाड़ी अंदाज में फील लेते हैं। तब तक ऋतिक भाई लगा रहे हैं हम और बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं किस तरीके से है यहाँ का सीन। कैमरा स्विच कराया है यहाँ पर गाइस, ये जो जलाया गया है ये सूखी भी लकड़ियाँ वगैरह थी और इधर पे एक कांटेदार पेड़ थे सारे। जूम आउट करते हैं, ये आप देख सकते हैं ये है अनार का पेड़ ये वाला, थोड़ा और नज़दीक से ये देखिए फूल। और ये गाइस आप देख सकते हैं ये है मौसमी, एक दो और तीन गाइस, इसे बोलते हैं हमारी घर की भाषा में कंडाली, जो कि करंट वाला पेड़ होता है, काफ़ी तेज करंट निकलता है इससे। नाउ हम पहुंच चुके हैं घर के पास और ये हमारा टैंक है जो कि ख़राब हो चुका है। दादाजी यहाँ पर, दादा प्रणाम, यहाँ पर पानी का नल लगा हुआ है, यहाँ पे पशु वगैरह पानी पीते हैं, ये भैंस दादी जी औरों की भैंस है और ये हमारा घर है यहाँ पर। बहुत पहले बनाया था हमारे दादाजी ने और ये दूसरा वाला रूम है। तो फिलहाल हम चलते हैं स्पीकर लेने और घर से दिखाते हैं आपको पूरा व्यू किस प्रकार का होता है हमारे बगीचे का। ये देखिए गाइस, ये पूरा नेचुरल खाद है जो कि खेतों में डाला जाता है, गोबर की खाद होती है। और ये हमारा कुछ इस कदर लकड़ी वाला घर है, ये मेहमान वगैरह आने के लिए चेयर रखी गई है और ये हमारा रूम है अंदर का। और गाइस ये है यहाँ पर स्पीकर, चलते हैं फिर से अपने कार्य की ओर प्रगतिशील। और ये देखिए, हाँ ना 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 मैं स्पीकर लेना है, थोड़ा स्पीकर लेना है बोलो। और गाइस देखते रहिए, बने रहिए कनेक्टेड वाइब्स में। आज हमारा डे वन है बगीचे का, तो डे वन में हमने आज सुबह गए थे बैल लेने तुनालका तक, वहाँ से बैल लेके आए हैं अभी, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे बैल है वो अभी हल तो लगा नहीं पाते हैं, तो इस चक्कर में हमने सोचा है अपनी मौसी औरों के बैल ही लेके आ जाते हैं, उनसे काम चल जाएगा इस बारी का, तो अगली बार देखते हैं। अगर नेचुरल खाद के लिए बनाया गया है, इसमें खाद वगैरह डालेंगे इसके बाद, पूरे चार इसमें एक दो तीन चार चार गड्ढे हैं जो कि बनाए थे किसी एक टाइम पर। और गाइस ये वाला खेत है, इसमें अनार के पेड़ थे जो कि सक्सेसफुल नहीं हुए हैं और इसमें खाद खूब डाली गई है, तो देखते हैं अभी क्या प्लान, कैसे कटते हैं दिन बगीचे के और किस तरीके से मौसम बनता है यहाँ कर। गाइस पहले बचपन में हम इन फूलों को भी खाया करते थे जो कि येलो कलर के ये वाले फूल हैं, इनको मैं खाता था ऐसे निकाल निकाल के, अभी भी खा सकता हूँ मैं वैसे, देखिए खाता हूँ ये फूल। और गाइस इसका स्वाद कुछ काफ़ी अलग है, हल्का सा मीठा है, हल्का सा खट्टा है, हल्का सा नमकीन है, लेकिन गुड, अच्छा टेस्ट है इसका। और शायद ये एस्ट्रॉइड का काम भी करता है जिससे हमारी बॉडी बनती है, तो गाइस आपको यदि एस्ट्रॉइड की मात्रा के लिए फूल चाहिए लाठी ले गया हूँ। और गाइस ठीक भाई को लाठी की जरूरत पड़ रही है। और गाइस मेरे देखने से तो कभी पशुओं को मारना नहीं चाहिए, हल्का हल्का आप उनको प्यार से दुत्कार सकते हैं, लेकिन किसी को मारना हमारे बस में नहीं है क्योंकि भगवान ने प्राण दिए हैं सबको, जिस वजह से। और ये बगीचा आजकल काफ़ी ऐसा हो रखा है खुला खुला सा, जो कि ऐसा नहीं होना था। अभी आने वाले टाइम में आपको एक दो महीने के बाद दिखाएंगे किस तरीके से व्यू होता है हमारे बगीचे का। तो गए फिर से ऋतिक भाई के पास और ऋतिक भाई कर रहे हैं मेरे बदले का काम,
क्योंकि गाइस वैसे मुझे तो आता है प्रॉपर, मैं गया था स्पीकर लेने इस वजह से। और ये आप देख सकते हैं आज हमारा डे बना है, आपको डेट जितने भी दिन का काम होगा बगीचे में उतने दिन का दिखाएंगे बढ़िया से, और ये दिखाएंगे बार बढ़िया से। और गाइस भाई के बाद पेरेंट्स के बाद यदि आपका कोई हो सकता है तो आपका भाई हो सकता है, दोस्तों पे भरोसा थोड़ा कम है हमें, आप देख सकते हैं। निकल गए, अच्छा पहली गोल छूटी ना, और आप देख सकते हैं ऋतिक भाई पूरी मेहनत के साथ वही लाठू मिया ली हुई। और ये देखिए गाइस ये होता है जिससे लकड़ी पे आगे लगा कर यूं, और ये पूरा जमीन को चीरते हुए निकलता है ऐसे ऐसे में। यदि मैं इसको कैमरे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये कैमरे को भी चीर सकता है। इसको बोलते हैं फाऊ, फाऊ इट मीन्स फाऊ। ये लोहे का होता है जो कि जमीन के अंदर जाके जुताई का काम करता है, तो ये अभी निकला है जमीन से, ये पुराना है, पहले कभी निकला होगा जो कि उसके बाद मिला नहीं था, आज ही मिला है। अब इसको बनाने के लिए दिया जाएगा फिर से, और ये आएगा फिर से प्रिपेयर होके और दोबारा ऐसे हल लगा जाएगा। कई जी आप देख सकते हैं बाणी की तरह होता है इस तरीके से। और रोनी सिंह अपने अंदाज में जीते हैं जो कि कुछ अलग ही अंदाज है, और हमें बगीचे में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो माता श्री पिता श्री तो इधर पे है नहीं, और गाइस इधर पे बंदर भी काफ़ी संख्या में होते हैं, और ये जंगल का कुछ इस तरीके से व्यू है। पूरे जंगल के बीच में है हमारा बगीचा, आपको दिखा दूँ बता दूँ, ये है ओल्ट्रा सिटी। इसको इसके बाद थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इस पर काम किया जाएगा, अपने टैंक में पानी पूरी डाला जाएगा, अभी इसको फिर से बनाया जाएगा अच्छे से, और वहाँ पर हम गर्मियों में नहा सकते हैं आराम से, स्विमिंग पूल का आनंद ले सकते हैं, और इससे ज़्यादा हमें चाहिए क्या। लोग देहरादून में सहस्त्रधारा जाते हैं नहाने के लिए, लेकिन यहाँ के पानी में आपको जो स्वाद मिलेगा वो आपको देहरादून के सहस्त्रधारा में भी नहीं मिलेगा। गाइस बने रहिए, एक बार फिर से चलते हैं स्टेशन की ओर, और थोड़ी देर गाने बजा के चलते हैं ऋतिक भाई के पास, और फिर से पकड़ते हैं हल्का गाड़ी। रहिए, देखते रहिए कनेक्टेड वाइब्स। इस तरीके से आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको गाने का तरीका भी सीखना है वो भी हम आपको सिखा देंगे गाइस। यदि आप कभी गाँव में नहीं गए हो, आपने हल नहीं लगाया है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हल लगाया जाता है, और ये हमारा अपना पर्सनल हेल है। तो वैसे ऋतिक भाई हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो चलते हैं अपने हल के पास। गाइस फाइनली हमने कर दिया है ख़त्म एक खेत का, और ये देखिए अंतिम में खेत को समतल करने के लिए इससे चलाया जाता है। तो चुका है, इसके बाद देखते हैं गाइस कहाँ का सफ़र बनता है, निकलते हैं फिलहाल बरकोट की ओर शायद। और अभी ऋतिक भाई लगा रहे हैं, वही बैठू मैं उसके ऊपर, हाँ ले वीडियो बनाइयो। सो गाइस इसमें आपको एक और गेम खेलने को मिल सकता है, इसके ऊपर से बैठा जाता है, है। पूरा इधर, और यह है पहाड़ी रेलगाड़ी चलती है इस तरीके से, आप इसके ऊपर बैठ सकते हैं आगे बैल चलते हुए। सो गाइस आज का प्रोग्राम हो चुका है ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। यह है कनेक्टेड वाइब्स, और थक भी गए हैं थोड़ा सा आज, तो भी नहा धो के निकलते हैं मार्केट की ओर। कल भी फ्री हो चुके हैं, ये हमारी छानी है, और ये हम यहाँ पर अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर घर, फ्री माइंड चलने देते हैं
घास घूस खाने के बाद अपने आप घर पे आ जाएंगे। हाँ नाना, और नहीं भी आएंगे आज, ऊँच चली इसीलिए जाने पड़ो वहाँ। और गाइस आप देख सकते हैं फ्री हो चुके हैं बैल भी, और हम दोनों भाई भी फ्री हो चुके हैं। तो आपको कैसा ब्लॉग लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा हमेशा यही होता है कि जो हमारा ब्लॉग है काफ़ी अच्छे तरीके से बने, लेकिन थोड़ी चीज़ें रह जाती हैं और थोड़ी चीज़ें हो जाती है। सो गाइस मिलते हैं सीधा बरकोट की वादियों में।